हमारी बेटी शारदा में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? फाइन लेग। हाँ, है? टीवी पर डेली सोप हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, जब भी देखो लॉजिक की बत्ती बुझाकर देखो, वरना दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका भेजा हमेशा के लिए फ्राई होकर फ्यूज हो जाएगा। कुछ भी। और अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, वो भी बिना स्किप किए हुए। बाल बनाए टॉफी खिलाकर, ना कंगी चली ना कैंची, फिर भी हेयर स्टाइल बन गई ऐसी। ये एक ऐसन नाई है जिन्हें देखकर लगता है क्या ये बाल काटते होंगे और कैंची क्या चलाते होंगे। कैंची इन्हें चलाती होगी, पर ये चिपकू बालों वाला गांव का छोरा इनके पास बाल कटाने पहुंच गया, वो भी मैगजीन लेकर, क्योंकि मैगजीन में एक ठो फोटू छपा था, उसको वैसा ही हेयर स्टाइल चाहिए था। फिर क्या था, दद्दू ने दिमाग की बत्ती जलाई और लड़के को ये वाली टॉफी खिलाई। फिर क्या था, लड़के पर जैसे ही गोली का बुखार चढ़ा, वो कुछ आई से मुंडे हिलाने लगा और जब रुका तो उसकी हेयर स्टाइल मैगजीन वाले मॉडल की तरह हो गई थी। एड के राइटर और क्रिएटिव टीम कसम से बधाई के हकदार हैं। अंडरवियर पर टैग। सुहागरात के इस सीन में दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा कैंची लेकर आ गया और दुल्हन के दिल की धड़कनें बढ़ गई ना, जाने दूल्हा क्या काटने की कोशिश कर रहा था। बट ई का बे, इन्हें तो अंडरवियर का टैग काट कर निकाल दिया। अब दुल्हन सोच रही है इन्हें अंडरवियर उल्टा पहना है, लगता है आपको क्या लगता है। सौभाग्यवती, अक्सर महिलाएं अपने सुहाग की निशानी के तौर पर माथे पर बिंदिया और सिंदूर लगाती है, फिर अपने पति की लंबी दुआ के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन अखंड सौभाग्यवती मार्कर ने इन सबको साइडलाइन कर दिया, केवल एक मार्कर लेकर आओ और अपने सुहाग की उम्र को परमानेंट बनाओ। कमाल है, 10 रुपए के मार्कर में इतनी ताकत, एक तीर से 2 निशाने, पति अमर रहेगा तो पत्नी को तो अमर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो सौभाग्यवती रहेगी और अपने माथे पर मार्कर लगाएगी। इस नॉलेज ने तो लॉजिक को पटक पटक के धो दिए भाई। लक्स, रणवीर की घरवाली दीपिका पादुकोण जो भी करती है खबर बन जाती है। वो अपनी मर्जी से ऐसा वैसा न जाने कैसा कैसा जो भी करती है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। इसलिए लक्स वाले को लगा क्यों ना उसके नेम ऑफ फेम में मैं अपना प्रोडक्ट चिपका लूं। इसके बाद दीपिका ने बताया कैसे उन्होंने लक्स से नहाकर दौलत शोहरत पैसा और रुतबा हासिल किया है। कमाल है, 20 रुपए के लक्स के इतने फायदे गिना दिए कि कंपनी माला माला हो गई। लक्स से नहाने के बाद दीपिका कुछ इस तरीके से दिखने लगी। घोस्ट रेजिस्टेंट सीमेंट। दरअसल कब्रिस्तान में सोकर बोर हो चुका एक भूत अब कब्र से बाहर निकलकर एक दूसरी कब्र पर बैठा था। तभी उसके कब्र वाला भूत बाहर निकलकर आया, जिसे देखकर पहले वाला भूत भाग खड़ा हुआ। रास्ते में आने वाली हर चीज को पार करता हुआ बाहर निकल गया, फिर वो पेड़ हो या कोई और चीज, के भूत के सूसू कैसे लग गई कि वो पेड़ के उस पार से इस पार धार लगा रहा था। लेकिन भागते भागते भूत एक दीवार से टकरा कर गिर जाता है। जानना चाहूंगी वो दीवार पर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये हाथी सीमेंट से बनी थी, यानी सीमेंट की दीवार से भूत भी पार नहीं उड़ सकते। यानी इस दुनिया में भूत होते हैं या नहीं इसका पता नहीं, मगर भूतों को रोकने वाली सीमेंट की दीवार दोनों बन गई है। कोलगेट के एड में न जाने कौन कौन कितने क्रिएटिव नाक घुसा देते हैं। कभी टूथपेस्ट में नमक तो कभी चारकोल, कभी लौंग, कभी नींबू। काजोल मैडम कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि पीछे से ये दूसरी मैडम सारी फुटेज खा जाती है और ये व्यूअर्स को उसको बताती है कि इसके अलावा हनी, आंवला, नीम जैसी जड़ी बूटियों वाले एलिमेंट्स मौजूद है। मतलब किचन के सारे मसाले इन्होंने टूथपेस्ट में मिला डाले। हो सकता है आने वाले समय में धनिया, मिर्ची, अदरक भी आपको कोलगेट के टूथपेस्ट में मिल जाए। इसे टूथपेस्ट की तरह इस्तेमाल करने के साथ साथ मसाले की तरह यूज भी किया जा सकता है। जरूरत पड़े तो चाय बना लो या फिर कोरोना कॉल में इसी का काढ़ा बनाकर पी जाओ। अभी मैडम लगता है इंतजार कर रही थी कि कब ये घोंचू कब चॉकलेट खाए और ये दन से उसके आगे एक सवाल दाग दे कि मसूड़ों में तकलीफ है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। यहाँ सब तक तो ठीक था, मगर ये करीना मैडम तो फ्रिज के भीतर से ही रिपोर्टिंग मूड में प्रकट हो जाती है। पूरी की पूरी रिपोर्टिंग टीम आ जाती है। ग्लाइकोडिल। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक मेकिंग टीम ने बाबा के कैरेक्टर को बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से बताया है। मतलब बाबा को खांसी होती है और उसी समय अपने बच्चे के नामकरण के चक्कर में आए लोग उनसे बच्चे का नाम पूछते हैं और बाबा खांस देते हैं और बच्चे का नाम ऊ पड़ गया। बच्चे ने सारी जिंदगी इसी नाम के साथ गुजारी। इस बच्चे का जब बच्चा हुआ तो एक बार फिर बाबा जी याद आए, मगर बाबा जी के बोलने से पहले उनके मुंह में ग्लाइकोडिन डाल दी गई, क्योंकि खानदान के पोते को बाबा जी की बीमारी का पता चल गया। मगर बाबा ठहरे एक नंबर के ठरकी, तो उस बच्चे का नाम रख दिया ग्लाइकोडिन।
ग्लाइकोडिन। उत्तम नाम। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ बीमारी खांसी है फिर खुद बाबा जी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। तो 5 रुपया। टिल्लू भैया ने नई नई कार खरीदी थी तो मोहल्ले वालों को दिखाने और उनको जलाने के लिए घर तक कार ले आए। हालांकि इनके घर की गली में जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको शॉफ तो करना ही था। जलने वालों के सीने पर सांप लौट रहे थे तभी पीछे से आते हुए एक लोडिंग ऑटो ने उनकी बाइक हेडलाइट को ठोक दिया। टिल्लू भैया गुस्से में आ गए, लगा धरती हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा। वो ऑटो वाले से बोले, एक गधे, दिखता नहीं क्या? 80 लाख रुपए गाड़ी है यार, कौन दे रहा इसके पैसे? तेरा बाप। पैसे निकाल, 5 रुपए निकाल। निकाल 5 रुपया। ऑटो वालों ने भी सोचा, जा चलो 5 रुपए में बात खत्म। इतना ड्रामा किस लिए? केवल 5 रुपए की फेविक्विक बेचने के लिए? लगता 5 रुपए की फेविक्विक से कार की बैकलाइट को जोड़ने का काम करेंगे। कांता भाई, अभी फोटो में बैठे चाचा जी मरने के बाद भी कमाल कर गए। घर के सारे लोग वसीयत को इस इंतजार में सुन रहे थे कि उन्हें क्या मिलेगा, मगर सबको मिला बाबा जी का घंटा और वसीयत हो गई घर की नौकरानी कांता भाई के नाम। घर की सारी बहुओं को टीवी सीरियल का टाइटल याद आने लगा, स्वर्गीय चाचा जी और शांता भाई के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट अभी बाकी है, असली खेल तो कोबरा ड्रिंक ने खोला। जब घर का बड़ा कांता भाई के साथ खड़ा हो गया, यानी कि सारे के सारे घर वालों को पहले तो दिल में लगा झटका, फिर दिमाग में लड़का खटका और फिर पूरा घर हिल गया। जब दोबारा ड्रिंक पीकर घर का अगला बड़ा कांता भाई से मिल गया। कांग्रेचुलेशंस कांता भाई। भाई साहब, शी डिजर्व्स इट। क्या हाल होगा उस दूल्हे का जिसे फोटो में लड़की चकाचक दिखाई गई हो, उसका फिगर भी दिल और दिमाग हिला देने वाला हो, लेकिन जैसे घूंघट उठाया दुल्हन की मूंछ निकलाई हो, ही का मजाक है बे। ही है ट्विंकल ब्यूटी पार्लर जो बहुत जल्दी खुलने वाला है। इसके बाद दुल्हन की मूंछों का परमानेंट इलाज हो जाएगा। मगर इस शादी में रायता क्यों फैलाया? वी गार्ड बल्ब। इस टीवी एड में लोगों को दिमाग की बत्ती जलाने के लिए स्वागरात की रात दुल्हा दुल्हन के कमरे की बत्ती कम कर दी गई। और उससे भी बड़ी बात यह कि जबरदस्त सेक्सी फिगर वाली खूबसूरत दुल्हनिया अपने इशारों से दूल्हे का जोश बढ़ा रही है। भीतर आते ही दूल्हा अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर जाता है। लगता है कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, पलंग को छलांग मार दी, नतीजा सत्यानाश। दूल्हे की गोटी सोटी तरीके से डैमेज हो गई। स्वागरात, आगे की शादी, जिंदगी खतरे का झूला झूलने लगी। और जानते हैं सब क्यों हुआ? क्योंकि कमरे में वी गार्ड बल्ब ही नहीं था। लड़की पटाने की खुजली। किसी के शरीर पर खुजली होती है तो कभी किसी के मन में खुजली होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेन में बैठे इस लड़के को देखकर लड़की के मन में खुजली होने लगी, वो भी प्यार वाली। लेकिन जब लड़की ने लड़के के बदन की खुजली देखी तो बेचारी उठकर चली गई। देखकर लड़के को जबरदस्ती महसूस हुई, उसने भी ठान लिया इस लड़की को पटा के रहेंगे। सबसे पहले इस इच गार्ड को खरीदा और अपने शरीर की खुजली मिटाई। इसके बाद फिर क्या था, लड़के और लड़की दोनों के शरीर में प्यार वाली खुजली लग गई। मुझे भी लग रहा है यार ये इच गार्ड वाला तरीका सॉलिड है। आप क्या कहते हो, मैं यूज करके देखूं क्या? यार कमेंट करके जरूर बताना, मेरी जिंदगी का सवाल है, कब तक सिंगल रहूंगा? जुगाड़ फार सुलेखा। जुगाड़ के मामले में हम इंडियन का कोई जवाब नहीं। जब शादी हुई तो नई नवेली दुल्हन ने अपने स्वागरात वाले कमरे को गौर से देखा। उसे समझ में आया यहाँ तो जुगाड़ का भंडार है। दीवार पर उखड़ता पेंट कैलेंडर से ढका है, तो अलमारी की एक टांग ईंटों की आर्टिफिशियल लेग है। बाथरूम में शावर की जगह छेदों वाली बाल्टी लटकी है। बाइक एक हो और बैठने वाली महिलाएं ज्यादा तो उनकी ट्रैवलिंग का ये अंदाज देखिए। सोफे को ही बाइक की सीट बना दिया। ढाबे पर एक ही कूलर था, मगर हवा तो सबको चाहिए और इन्होंने अपनी पतलून खोल के कूलर से निकली हवा को डिवाइड कर दिया। भाई है ना कमाल का जुगाड़। दुल्हन बेचारी सोच में डूब गई, दूल्हा तो 100% है ना, तो वहाँ भी कोई जुगाड़ है। अब जान लीजिए सुलेखा कौन है। ये है वो एक सर्विस प्रोवाइडर जो इस तरह की तमाम सर्विस जरूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करवाती है। हमें यकीन है विज्ञापनों की भीड़ ने आपको सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। वीडियो पर अपनी राय देना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।